हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा तुलसी है। इतना लुक लहर में ये हरा भरा हो गया है। ये आपको मोजर भी दिया है। ये मोजर आप मिट्टी में छिड़किएगा तो आपको बरसात में अच्छे से ये नया नया पेड़ हो जाएगा, छोटा छोटा पौधा हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इतना लुक लहर चल रहा है, गर्मी है तो इसको थोड़ा से केयर करना पड़ता है। तो इसको इस तरफ से, एक तरफ से हम इसका थोड़ा से छटैया कर देंगे ताकि ये अच्छा ग्रोथ करे। अभी तो गर्मी है इसीलिए कम ग्रोथ कर रहा। तो इस तरह से आधा दूर तक इसको हम छटैया कर देंगे, आधा इसको मोजर के साथ छोड़ देंगे। जब इधर ग्रोथ हो जाएगा तब इधर का हम फिर से छटैया करेंगे। तो देखिए इसको हम थोड़ा से कैंची के सहारे से इसको हटा देते हैं इस तरह से, और थोड़ा से इधर का हम छोड़ देंगे, थोड़ा से इधर से हटा लिए। जब इधर अच्छा से ग्रोथ हो जाएगा तो फिर इधर से हम इसको छटैया करेंगे। तो देखिए इधर भी नीचे में छोटा 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 आपको नीचे से निकल रहा है। तो इसको अब हम देखिए, इसको सूख गया है। ये गर्मी में तो आजकल छत्ता पर आने लायक नहीं है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें प्याज का पत्ता वगैरह डाल देते हैं। तो इसको अच्छे से इस तरह कोड़ैया कर दीजिए। अभी सूखा सूखा है, फिर बरसात में ये भींग जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से ऊपर नीचे मिट्टी को मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप इस तरह से करने से आपको तुलसी अच्छा से ग्रोथ करेगा। और इधर से जो छाट दिए हैं नया नया, इसमें टहनिया आएगी और इधर का आप बाद में छटिएगा। तो इस तरह से आप तुलसी को केयर करते रहिए, सालों साल ये तुलसी आपको अच्छा पत्तियां खाने को मिलेगा। हर तरह की बीमारी दूर होता है, बरसात में आपको इन्फेक्शन से दूर रखेगा। बस चार पत्ती इस तरह से तोड़िए, चार पत्तियां इस तरह से तोड़िए और आप इसको पानी में खौला करके पी लीजिए, या इसी तरह से आप चिबा जाइए। तो आपका पेट के हर एक तरह के बीमारी इन्फेक्शन सब दूर करेगा। तो चलिए इसको हमको अब क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हल्दी है, ये हल्दी इसका वरदान है, जान है। तो हल्दी डालने से इसका ग्रोथ अच्छा आएगा और जितना इन्फेक्शन बरसात में लगने वाला है वो पहले से आप इसको अब छिड़क दीजिए। इसको कम से कम महीना दिन पर एक चम्मच आपको डाल करके इस तरह से मिलाना पड़ेगा, तभी आपका तुलसी सालों साल चलेगी। तो इस तरह से आप मिला दीजिए मिट्टी के साथ हल्दी को। अब इसमें देखिए ऊपर नीचे ये सब मिला दिए। अब जितना मिट्टी में इन्फेक्शन बरसात में लगेगा ना तो लगने नहीं देगा। देखिए इसको इतना भर भरा, इसको खाद है, ये खाद किचन का सब है। किचन में जो भी आप खाते हैं सब्जी साग फल वगैरह, तो उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर ये देख लीजिए, यही सब से मेरा सब ये हरा भरा बगीचा है। देखिए तो आपको ये किचन का खाद कभी फेंकना नहीं है, ये सबसे बड़ा खाद है, सबसे बड़ा चीज़ है, ये पौधों का जान है। तो इस तरह से आप सब किचन वाला खाद बना करके धूप में सुखाइए या कच्चे डाल दीजिए। कच्चे इस तरह से डाल दीजिएगा तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो इस पर हम पानी डाल देते हैं थोड़ा से। और जो ये है हरा हरा, ये नेनुआ तोरई बोला जाता है, थोड़ा से इस पर हम सोला देंगे ताकि इस पर धूप का ज़्यादा असर ना पड़े। ये सब डालने से हरा चीज़ सूखेगा, ये मिट्टी नहीं सूखेगा। तो थोड़ा से तो जान बचेगा धूप से इसका, तो इसीलिए इसको आप थोड़ा से इस तरह से डाल दीजिए और तुलसी को इसी तरह से केयर करिए। तब तक के लिए मिलती हैं, बाय बाय। अब आप लाइक देना ना भूलिएगा और मेरे तुलसी को ज़रूर लाइक करिएगा।